नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत बच्ची हैं जो गांव की पंचायत की रहने वाली हैं, वार्ड नंबर 7। तो लगातार ऐसे में जो बिहार में कई ऐसी बच्चियां हैं जो बिहार टॉप कर चुकी हैं, जिला टॉप कर चुकी हैं, इनमें से एक ऐसी बच्ची भी हैं जो किशनगंज के नाम रोशन किया है। हालांकि भी मालूम हुआ हमें कि इनके फादर नहीं हैं। ये बच्ची जिला में किशनगंज जिला के 5वां स्थान इनको मिला है मैट्रिक बोर्ड में, 447 मार्क्स लाकर प्राप्त किए इन्होंने। बहुत बड़ी बात है। ऐसे में जो है बिहार में जो खास करके बिहार की जो गार्जियंस है, पेरेंट्स हैं, तो बहुत कम लोग चाहते हैं कि मेरी बच्चियां पढ़ने जाए, एजुकेशन प्राप्त करें। हालांकि हम लोग बेटियों को एक जो है पिछले तत्कृत निगाहों से देख रहे हैं। ये चीज़ें लोगों को अवेयरनेस की ज़रूरत है, जागरूक होने की ज़रूरत है कि बच्चियाँ भी कुछ बहुत कुछ कर सकती है। बहुत बड़ी बात है। चलिए हम इस बच्ची से जानकारी लेंगे, क्या नाम है इनका। और सबसे पहले लाइव 24 न्यूज़ की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई क्योंकि आपने जिला में 5वां रैंक प्राप्त किया है। क्या लगता है आपने जो इतना मेहनत करने के बाद 5वां रैंक ले आई हैं, कैसा महसूस कर रही हैं? माइक छोड़ो, बोलो। मुझे गर्व है कि मैं 5वें जिला स्तर पर 5वें रैंक पर आई हूँ। मेरा नाम फरोजा मंजर सदफ है। मैं गरीबनवाज आइडियल स्कूल से अपनी बचपन की पढ़ाई की थी। उसके बाद गांधी हाई स्कूल से मैंने अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त की और आज मुझे इस बात की फ़ख्र है। मेरी जो मेहनत की थी क्लास 10th के लिए, तो उसमें मुझे बहुत अच्छी कामयाबी मिली है। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। आपको जब मेहनत करने के बाद अपने जो मार्क्स लाया है, काफ़ी क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी गिफ्ट कहा जा रहा है क्योंकि आपने नाम रोशन किया है अपने क्षेत्र का, गांधी पंचायत अखबारों में छपी हुई है, टेलीविज़न के कई मीडियाज़ में जो है वो पूरा चीज़ दिखाया जा रहा है, हमारी टीम आपके घर तक पहुंच गई है। ऐसे में क्या लगता है, आपको फ़ख्र महसूस होती है? नहीं जी, मुझे बहुत फ़ख्र है इस बात की। और मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी फादर्स या मदर्स अपने बारे में बच्चे के बारे में ये सोचते हैं कि उन लोगों को स्कूल नहीं भेजा जाए, घर पे ही रखा जाए, तो उनकी सोच ये गलत है। उनकी सोच बदलना चाहिए क्योंकि आज लड़कियाँ किसी लड़के से कम नहीं है। तो लड़कियाँ भी उस तरह कर सकती हैं जैसे लड़के करते हैं। अच्छा, आपको नहीं लगता आपके पिताजी नहीं है अभी इस लम्हा में, आपको क्या उसका कैसा महसूस हो रहा है? जी, कुछ थोड़ा सा डर है कि हो सकता है हम आगे अच्छी पढ़ाई नहीं कर सकते, लेकिन अपने कॉन्फिडेंस, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस से हम कह सकते हैं कि हम अच्छा करेंगे। इंशाल्लाह मेरी ये कोशिश रहेगी हम अच्छे आगे पढ़ाई कर सकें। आपके अब्बा का याद आते होगा अभी? जी, बहुत खुशी होती है। शायद काफी आपको ये लग रहा है आज वो रहते तो ये खुशी मिली, अधूरी नहीं रहती, खुशी पूरी हो जाती। क्या यहाँ किशनगंज के खास करके कुछ लड़कियों को जो लोग अपने बेटियों को समझते हैं कि नहीं आगे नहीं पढ़ना चाहिए, अब उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? उनके लिए ये कहना चाहेंगे कि बेटियों को पढ़ने भेजें, घर के कामकाज के साथ साथ उनकी स्कूली शिक्षा भी दी जाए, हायर एजुकेशन दिया जाए, ताकि वो भी आगे चलकर अपने पैरों पर खड़े हो सके और डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन कर सके। क्या आपका आपका जो है क्या फेवरेट सब्जेक्ट रहा? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ और साइंस रहा। मैथ साइंस। क्या आगे का क्या प्लानिंग है, अगर आप ISC ICOM जो भी करना चाहेंगे इसमें क्या सब्जेक्ट रखेंगे और क्या प्लस पॉइंट क्या है आपका? मैं तो फादर हया से थे तो हम सोच रहे थे कि साइंस लेके पढ़ें, लेकिन अब इकोनॉमिकल कंडीशन के वजह से हम सोचे आर्ट्स में रख करके ऑप्शन देके पढ़ेंगे। आर्ट्स लेके पढ़ना है, मतलब आर्थिक थोड़ा सा प्रॉब्लम करते हैं, तो फिर भी आपको हिम्मत नहीं हारना है और आगे गवर्नमेंट बहुत सारे स्कीम चलाया हुआ है, उससे आपको हेल्प मिलेगी। ऐसे में सरकार की ओर से क्या पहल करना मांग करना चाहेंगे, सरकार क्या सहायता करे आपके लिए? सरकार से हम ये कहना चाहेंगे कि खास करके जो लड़कियां गरीब लड़कियां हैं, मैट्रिक के बाद हायर एजुकेशन इकोनॉमिकल कंडीशन की वजह से हायर एजुकेशन प्राप्त नहीं कर पाता है, तो हायर एजुकेशन के लिए उनको फंड दिया जाए, खास जो लड़कियां गरीब हैं, ताकि वो फंड की सहायता से पढ़ सकें। ऐसे में जो है आप लगातार मेहनत की, उस मेहनत जो है काफ़ी टफ रहा है क्योंकि हमने भी मैट्रिक बोर्ड का एग्जाम दिया, सब जाकर के हमने जर्नलिज्म के तरीके में पहुँचे हैं। उस टाइम का दौर कैसे आपका गुजरा, कैसे पढ़ती थी ये ज़रा बड़ा बता दीजिए हमारे ऑडियंस को। पढ़ाई में क्या होता था, जब शाम को सोने जाते थे तो ये रूटीन होता था कि नहीं मुझे सुबह इस टाइम में उठना है, जैसे 4 बजे उठना है तो 4 बजे ही मुझे जगना है, 4 बजे से 6 बजे तक पढ़ना है, कोचिंग जाना है, तो कोचिंग की रूटीन अलग होती थी, कोचिंग से आने के बाद की रूटीन अलग होती थी, हर चीज़ की रूटीन बना करके पढ़ना पड़ता था। चलिए, मैं आपसे बात करने के लिए मुझे बहुत बहुत शुक्रिया, आपको माता जी से बात करता हूँ।
उनकी माता जी बैठी हुई, इस तरफ हम बात कर लेते हैं। अगर पांचवा रैंक प्राप्त किया है, ऐसे में कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। इनके पिताजी नहीं है, इनकी कमी काफी इस घर में उभर रही होगी, ऐसे में क्या लगता है कि आज इनके पिताजी? पिताजी रहने से जितना कितना खुशी हो रहा था, कितना जगमग होता, ऐसे में सोता है, महसूस होता है नहीं कि पिताजी रहने से जो खुशी होता वो अभी तो हमारी खुशी नहीं है मैडम। अच्छा ठीक है, यहाँ कई ऐसे बच्चे हैं कि जिनका बहुत बाप का साया जो है सर से उठ चुका है, उन बच्चियों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी? बहुत बड़ी बात है कि इस घड़ी में, इस पल में आप खड़ी हैं अपने बच्चों के साथ, बहुत बड़ी बात है। ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सबको मेहनत से पढ़ना चाहिए, मेहनत मतलब मेहनत पर ही कामयाबी है। चलिए हम इस पंचायत नौसाद आलम साहब से भी हम कुछ जानकारी ले लेंगे, क्या कुछ है, चलिए हम उनकी ओर रुख करते हैं। चलिए मुखिया प्रत्याशी नौसाद आलम साहब हमारे साथ हैं, हम इनसे जानकारी लेंगे क्योंकि इनके होम पंचायत की बच्ची है, जिला में पांचवा रैंक प्राप्त की है, बहुत बड़ी बात है, ऐसे में फख्र होता है जिला में कोई अच्छे मार्क्स से पास करते हो। चलिए हम नौसाद साहब से ही बात करते हैं, क्या लगे लगता है मुखिया जी, अगर ऐसे बच्ची आपकी पंचायत में अगर अच्छे मार्क्स से पास करती है तो आप इस चीज़ को किस नज़रिए से देखें? सबसे पहले मैं इस बच्ची को मुबारकबाद देता हूँ जो इसने हमारे सबसे पहले हमारे पंचायत का नाम रोशन किया है, उसके बाद जिला में पांचवा नंबर लाकर जिले का नाम रोशन किया है, और इस बच्ची का पिता का साया नहीं रहने के बावजूद अपनी माँ की सरपरस्ती में मेहनत करके इस नंबर को हासिल किया है, जिससे हमें फख्र है। पूरे पंचायत वासी की तरफ से मैं इस बच्ची का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, और हम लोग इसको जहाँ तक भी हो हर तरह की मदद करने के लिए, जिस तरह का हम लोग से सहायता लेना चाहेंगी, हम लोग से हो सकेगा हम लोग उनको आगे पढ़ने के लिए मदद करते रहेंगे। मुखिया जी क्या लगता है ऐसे में सरकार की ओर से फंड नहीं, अगर पंचायत में मुख्य चुनाव होता है, अगर आप जीतते हैं तो आप अपने स्तर से क्या करेंगे? ऐसी बच्चियां हजारों बच्चियां हैं कि जो उनके पास आर्थिक जो है स्ट्रांग नहीं है कि जो पढ़ा सके, उनकी हालत सही नहीं है कि जो पढ़ा सके, फिर भी लोग पढ़ा रहे हैं, ऐसे में आपके ओर से क्या पहल होगा अगर मुखिया बनते हैं आप? तो हम जिस तरह से केंद्र सरकार की तरफ से योजना है कि इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोन अफोर्ड करके इनको आगे के लिए पढ़ाई के लिए इनका जारी रहे, इसको हर तरह से जो पंचायत लेवल का मदद होगा मैं पंचायत से करवाऊंगा, और जो सेंट्रल की तरफ से जो फैसिलिटी है मैं चाहूंगा कि ऐसी बच्चियां और आए और हमारे पंचायत का नाम आगे बढ़े। हम लोग अपनी तरफ से जी जान से जो भी फंड होगा ज़्यादा से ज़्यादा मदद करेंगे, कोशिश ये भी करेंगे कि हम लोग निजी तौर पर भी कुछ मदद करें उन लोगों को। चलिए हम बात करते हैं मुखिया प्रत्याशी नौसाद आलम साहब से लगातार, हम हर एक बच्चियों का कहानी आपको सुना रहे हैं लाइव 24 न्यूज़ पर, बिहार में कैसे लोग गुजरते हैं ऐसे स्थितियों से जिनके सर पे बाप का साया ना हो, फिर भी ऐसे उस पल की घड़ी में लोग संघर्ष करके भी अपने मेहनत पर रंग ले आते हैं। मैं संवाददाता किशनगंज से विनाज आलम, कैमरा पर्सन मोहसिन आलम के साथ। आप देख रहे हैं हमारे चैनल को YouTube पर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आपको आसानी से मिल सके, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। हमारी पत्रकारिता आपका प्यार।